नमस्कार मित्रों, मैं अशोक वर्मा, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप टीवी 20 न्यूज पर बने रहिए, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर स्टाफ नर्सों द्वारा दिए गए योगदान को याद किया गया। बता दें कि आज पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जा रहा है, जिसके क्रम में अतरौलिया स्थित सौशैया संयुक्त चिकित्सालय में एक आयोजन किया गया। इस आयोजन के माध्यम से नर्सों द्वारा मरीजों के प्रति समर्पण व सेवा भाव को याद किया गया। ज्ञात हो कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को स्वास्थ्य सेवाओं में नर्सों के काम को याद करने के लिए मनाया जाने वाला एक वैश्विक कार्यक्रम है। यह इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ नर्सेज द्वारा प्रायोजित होता है। अतिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि यह एक ब्रिटिश समाज सुधारक और आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जन्मतिथि है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पूरे विश्व में अस्पतालों और चिकित्सा पेशेवरों द्वारा मनाया जाता है, जिसका मूल उद्देश्य नर्सों को समाज के लिए उनके समर्पण और समर्पित सेवाओं के लिए सम्मानित करने का इरादा माना जाता है। नर्सें दुनिया में नया जीवन लाने में मदद करती हैं, वहीं बीमारों और घायलों की अथक देखभाल करती हैं और कभी कभी मरीजों को देखती हैं कि उन्होंने अपने सर्वोत्तम प्रयास किया, फिर भी कई लोग काल के गाल में समा जाते हैं। इस दिवस को मनाने के लिए पुरस्कार समारोह छोटे और बड़े अस्पतालों में भी आयोजित किया जाता है, जहां नर्सों को सेवाओं के प्रति उनके परिश्रम के आधार पर सम्मानित किया जाता है। आइए सुनाते हैं कि स्टाफ नर्स ममता यादव ने क्या कुछ कहा। आज का दिन 12 मई हमारे लिए एक गौरवान्वित दिन है। आज ये पूरा विश्व जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस को मनाता है, और ये दिवस जो है हमारी जो जन्मदात्री हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने ही इस नर्सिंग प्रोफेशन को जो शुरुआत की थी, उनके वो संस्थापक हैं। उनके माध्यम से ही हम महिलाओं को एक सौभाग्य मिला है कि व्यवसाय करने का, और प्लस उसके साथ हमारे इस जिम्मेदार पूर्ण कार्यभार के साथ हमको एक सेवा का भी प्रारूप मिला कि हम सेवा करते हुए मरीजों को और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके, और उनके उस परिश्रम का फल हम महिलाओं को भी प्राप्त हुआ कि ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, उनके पद चिन्हों पर चलें। उन्होंने जो प्रतिज्ञाएं हम लोगों को दिलाई थी कि ईमानदारी, कर्तव्यपूर्ण और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन करिए, मरीजों की देखभाल करिए, और हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और उनके जन्मोत्सव को मनाते हुए हम सभी यहाँ पे उपस्थित जितने भी नर्सिंग संवर्ग वाले हैं, उनको हम सबको हार्दिक अभिनंदन और उनको बधाई देते हुए इस नर्सेस डे पर हम यही कामना करते हैं कि हमारे माध्यम से पूरे विश्व में जितने भी रोगी हों या दुखी हों, उनकी सेवा हम तहे दिल से हम दे पाए। हमारे चिकित्सालय की एक स्तंभ है, उनको हमारे जैसे शरीर में हर अंग का जो महत्वपूर्ण महत्व होता है, उस हिसाब से हमारे हमें रीढ़ की हड्डी की उपाधि दी गई है। अगर हम रीढ़ की हड्डी हमारी अगर स्पाइनल में कोई घाव हो जाए या चोट आ जाए तो हम अपाहिज भी हो सकते हैं। तो हम एक इसीलिए हम एक अहम भूमिका निभाते हैं नर्सेस कि हमारे शरीर का जो हम रीढ़ की हड्डी जैसे स्तंभ है, वैसे ही हम नर्स भी इस प्रोफेशन के, इस नर्सिंग के हम स्तंभ हैं। भरसका सभी लोग हम समझते हैं, हमारी जितनी भी बहनें हैं, हमारे नर्सिंग संवर्ग के जितने भी कर्मचारी हों, चाहे वो पुरुष वर्ग से हों चाहे महिला संवर्ग से, सभी लोगों की यही भूमिका रहती है कि वो अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। ठीक मैम।